जय हो। मैं हूं पंडित अमित किशोर पांडे और आप लोग देख रहे हैं एपिसोड 3 ढोलक लेसन्स बाय पंडित अमित किशोर पांडे। संगीत प्रवाह के थ्रू ये धारावाहिक आप तक पहुंचा पा रहे हैं। संगीत प्रवाह वर्ल्ड अपने आप में बहुत ही विख्यात सीरियल हो चुका है यूट्यूब पर, जिसके थ्रू बहुत से लोग, लाखों लोग अब तक संगीत सीख रहे हैं। और इन एपिसोड्स में सिखाए जा रहे हैं, सबसे पहले एक हारमोनियम एंड वोकल लर्निंग का भी कोर्स चल रहा है, जैसा कि हमने पहले एपिसोड में भी बताया था, उससे काफ़ी लोग सीख रहे हैं। कथक लर्निंग कोर्स वीडियो चल रहे हैं हमारे, और ढोलक लेसन भी चल रहे हैं, गिटार के लेसन्स भी चल रहे हैं। तो ये सब आप यूट्यूब पर पंडित अवध किशोर पांडे के नाम से या मास्टर निशांत किशोर पांडे के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं और अपने घर बैठे संगीत का पूरा ज्ञान आप जो है ले पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं ढोलक की, जो पिछले 2 एपिसोड में आपने सीखा। एक बार मैं हल्का उसको रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या सीखा था और क्या क्या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर भी रखी होगी, है ना, जैसा मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ। तो सबसे पहले हमने इसमें सीखने की कोशिश करी है ताल कहरवा को। ताल कहरवा जिसकी 8 मात्राएं होती हैं, 8 मात्राओं की ताल जिसके बोल हैं धा घी न ती न क धिन्ना, ये हमने ढोलक पर बजाना सीखा है। धा घी न ती न क धिन्ना, और इसी ताल के बीच बीच में इसके कुछ मोहरे किस तरह से हम मोड़ते हैं, जब ताल मोड़ करके आती है तो वहां पे किस तरह का एक पीस बजता है, वो भी हमने एक दो बताने की कोशिश करी थी पिछली बार, और उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। चलिए अब आगे एक बार उसकी रिवीजन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कोशिश करी थी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 और 7 पर ये वाला हाथ यूज करवाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1, और इसी को हमने दूसरे प्रकार से बजाने के लिए कहा था, अलग अलग इसकी स्पीड्स थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5
लगाया था, एक दो तीन चार पांच छह ऐसे लगाने के लिए, सात पे वैसा ही लग रहा था जैसा पहले लग रहा था, शुरू में जैसे लगाया था वैसे ही। थोड़ा सा हाथ को हमने इस वाले हाथ को चेंज किया था, बाकी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ उसी उस हाथ वाले वैसे के वैसे ही रहे थे। ठीक है, तो अब इसको भी एक बार देख लेते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, 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 एक। ये भी आपने करना सीखा था। इसी के बीच में हमने थोड़े से मोहरे बताए थे, ये जो बीच में एक दो तीन एक लगाया था उसको आप ध्यान से समझ लीजिए और इस तरह से इस ठेके को बजाने की कोशिश करिए और बहुत बढ़िया वाला आपका हाथ चलेगा। बस थोड़ी सी रियाज करने की जरूरत है, अभ्यास ही आपको सिखाएगा। अब इसमें एक दो और मोहरे मैं आपको बताने की कोशिश करूं। और हाँ, मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से हाथ को चलाना, तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस की होगी। दो उंगलियां ऐसे एक साथ लेकर के यहाँ मारा, ऐसे हाथ को धीरे खिसकाया, या फिर एक उंगली से मारा तो ऐसे खिसकाए तबले की तरह, तबले में जैसे ये बजता है ना, ये हाथ इस तरह से चलता है तबले पे, तबले वाला हाथ यहाँ चला के और इस तरह से, या फिर ऐसे नीचे मार के ऐसे करना, इस तरह से भी हाथ चलाना सिखाया। तो अब इसका यूज भी देखिए इसी ठेके में हम कर सकते हैं। एक दो, दो,
दो को इस तरह से बजाए, है दो और एक दो, दो को कैसे बजाए, दो दो ओ, है ना, तो इस तरह से हाथ का यूज करना था। इस तरह से आपको इस हाथ का भी यूज करना है। और इसमें एक मोरा था, एक दो तीन, एक दो तीन, एक धागे धागे ना कर ना धागे धागे ना कर धागे धागे ना कर ना, एक दो तीन, एक दो तीन, एक धागे धागे ना कर ना धागे धागे ना कर। इसकी स्पीड आप अपने हिसाब से ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, स्पीड्स खूब सारी ज्यादा भी होनी चाहिए, प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा वाली स्पीड की भी आपकी होनी चाहिए, ताकि हर तरह के गाने आप बजा सकें। कोई फास्ट रिदम वाले गाने आते हैं तब भी आपका हाथ चलना चाहिए, स्लो रिदम वाले गाने आते हैं तो भी आपका हाथ चलना चाहिए, सब तरह से आपका हाथ चलने का आदि हो, इसलिए प्रैक्टिस कम स्पीड वाली भी खूब करनी है और ज्यादा स्पीड वाली भी खूब करनी है, और बीच की स्पीड वाली भी अलग अलग से इन सभी सभी गतों की जो है गतियों की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब एक और इसमें मोहरा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे दोनों को अलग अलग यूज करिए। प्रैक्टिस अच्छे से रखनी है अपनी, और इसी के साथ इसको भी सीखने की कोशिश करें, इधर वाले पोर्शन पे, एक ये था इधर वाला, एक दो तीन, एक दो तीन, एक अब इधर वाले पे, एक नया लेसन देते हैं जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है, तिरकिट का, जिसको तबले के बोल में तिरकिट कहा जाता है, तो तीर ऐसे बजाना है, इधर से तीर और की तीर की कर की इधर बजेगा खुले हाथ से, ऐसे की कर तीर की तेरे गिटर
इधर से बजाए थी, इस इधर वाली उंगलियों से ऐसे की पे इधर वाला भी बज जाएगा तेरा गिटार। इसकी प्रैक्टिस करके रखना। ये सुना होगा आपने ज्यादातर, वैसे धाक खुला बजा देना। इस क्रिकेट का यूज भी हम आगे कुछ अलग अलग तरीके से करेंगे, कैसे अभी हम इसमें नहीं बताएंगे, पहले इसका एक अभ्यास होना चाहिए, एक इस तरह से आपका हाथ चलने का एक तरीका पहले आपका आना चाहिए। क्रिकेट को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना, खूब फास्ट भी बजाना क्रिकेट, ऐसे करके जल्दी से भी बजा देना। त्रिकट धा त्रिकट धा त्रिकट धा, इस तरह से तिहाई का एक रूप बनता है, ये रूप बनता है, ऐसे एक रेला बनता है, तब आप इस तरह से इसको बजा पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, धा धर गिर तक ऐसे भी योग भी करवाएंगे आपसे, और धा धर गिर तक धा धर गिर तक धा धा धर गिर धा 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 धर गिर धा, इस तरह के बोल त्रिकट त्रिकट ज्यादा ही हो जाता है। इसलिए हम पहले आपको बता रहे हैं कि आप पहले त्रिकट का एक अभ्यास कर लीजिए, खूब अच्छे से त्रिकट पे हाथ जमा लीजिए और ये ठेका इसी तरह से रहेगा। चलिए इस ठेके में थोड़ा सा एक परिवर्तन करके आपको दे देते हैं। अभी तक आपने सीधा सीधा बजाया है धा के ना के ना कह देना इस तरह से, अब आपको बजाना है धा के ना के ना कह देना धा के ना के ना कह देना धा के ना के ना कह देना धा के ना, अभी धागे ना सीधा जा रहा था, अभी करना है धागे ना तीना कर देना धागे ना तीना कर देना धागे ना तीना कर देना धागे ना धागे ना धागे ना तीना कर देना, थोड़ा सा इसको तिरछा करके बजाएंगे तो कैसे लग रहा। तो इस तरह से भी आपको इस ठेके को चेंज करना है, धागे ना तीना के धिन्ना को ही अलग अलग प्रकार से आप सीख रहे हैं। सबसे ज्यादा आपके प्रयोग में आने वाली जो ताल है वो यही है कहरवा, आठ मात्रा की। इसके अलावा सात मात्रा का ताल रूपक, दादरा छह मात्रा, ये भी आपके काम में आएंगी। कुछ भजन दादरा में भी गाए बजाए जाते हैं गीत, और कुछ रूपक में भी है, जैसे श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव है धारणम, ये जो वंदना है घर घर में चलती है, तो ये रूपक ताल में है सात मात्रा। ऐसी कुछ चीजें आपको रूपक और दादरा या फिर चौदह मात्रा की भी बजानी पड़ेगी। कुछ ट्रेडिशनल जो कुछ सॉन्ग्स होते हैं वो चौदह मात्रा में भी होते हैं, तो उनको भी आपको सीखना है। तो पहले कहरवा, और सबसे ज्यादा कहरवा, क्योंकि यही आपके ज्यादा यूज में आएगा।
फोक में ज्यादातर कैरवा चलता है, लाइट के जो भजन होते हैं उसमें ज्यादातर कैरवा चलता है। भजन का एक ठेका और हम आपको यहाँ बता देते हैं, अभी याद आया है तो भजन में हम इस तरह से बजाते हैं, देन 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 देन, तो ये एक अलग स्टाइल हो जाता है, ये भी कहरवा ही है। देन 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 एकदम से फोक नहीं है और थोड़े से रागों पर आधारित जो रचनाएं होती है उनमें ज्यादातर ये वाला ठेका ही लगता है। ठीक है, तो आपको कहरवा को पहले अच्छे से तैयार करना है, फिर उसके बाद आगे के एपिसोड्स में हम आपको और भी ताले सिखाएंगे, लेकिन पहले कहरवा पूरी मजबूती के साथ। तो ठीक है, अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस ही आपको सिखाएगी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। आप कितनी भी बार इस एपिसोड को देख लेना, खूब बार बार देखना, लेकिन आपको नहीं आने वाला है जब तक आप हाथ नहीं चलाएंगे। हाथ चलाना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बराबर, जय हो।